हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पुनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको कौन से गुड न्यूज़ मिलने वाली है इन द कमिंग 2 मंथ्स। आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको 3 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है, आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये कार्ड है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और जिस भी ऑप्शन के आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आती है उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा। क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो आपके सिचुएशन के साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होती है उसे रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके सजेशन को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी। ठीक है, कि करेंटली आप लोग क्या देख रहे हो अपने लाइफ में, क्या चीज़ें चल रही है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज हेल्प मी। हीलिंग बिगिंस। यहाँ पे है आप लोगों के लिए रिलीजिंग इमोशनल बैगेज एंड क्लीनिंग हाउस। वी हैव द कार्ड ऑफ द फ्यूचर। ओके, करेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिखाई जा रही है। हो सकता है आप लोग इस टाइम पे अपनी हीलिंग के ऊपर में वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये कार्ड जो आया है फ्रॉग का, ये बता रहा है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस। तो आपके मन में जो भी इमोशनल बैगेज है, मान लो किसी के प्रति किसी ने आपको ठेस पहुंचाया हो या पास्ट का कोई दुख है, तो ये क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि आप लोग अभी फिलहाल अपनी हीलिंग के ऊपर में वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप लोग अभी अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नई शुरुआत की तरफ आप अपने आप को पुश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये चीज़ें चल रही है कि फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, बट इस टाइम पे आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आने वाला टाइम आपको फिर से एक नया मौका देगा, नई एनर्जीज के साथ आएगा, इसलिए आप इस टाइम पे अपने इमोशनल बैगेजेस को हटा रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है अगर किसी ने आपको बुरा भी कहा था, आपके साथ कुछ बुरा किया भी था, तो आप लोग उसको माफ कर रहे हो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए इस टाइम पे दिख रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्टीज, थोड़े मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपके साथ बुरी होती है तो उसको भुलाना और उससे पीछा छुड़वाना और फिर से नई शुरुआत करना डिफिकल्ट होता है, बट आप कोशिश कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड इस चीज़ में हो सकता है आपका कोई सपोर्ट करने वाला है, मे बी आपकी फैमिली आपका स्ट्रेंथ है, आपके फ्रेंड, ठीक है, या कोई चीज़ है, कोई इंस्पिरेशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ो। मे बी आपका करियर है, आपके गोल्स है, आपके एम्स है, तो कुछ भी यहाँ पे है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप जो है इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ एंड फ्यूचर की तरफ बढ़ो। रिलीज करो सभी चीज़ों को जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है एंड इस टाइम पे आप अपने को फ्यूचर की तरफ पुश करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। करेंट एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी है। ओके, लेट मी सी आप लोगों के लिए कौन सी गुड न्यूज आ रही है, व्हाट गुड न्यूज यू विल रिसीव। यहाँ पे है एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर डेलीगेटिंग अथॉरिटी, दिस इज नंबर 26।
Oh wow, we have victory. यहाँ पे लेटिंग गो है. सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके किसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में, ठीक है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी न किसी हायर अथॉरिटी की या किसी पर्सन की हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है. एंड उस हेल्प की वजह से आपको किसी बहुत ही बड़ी चीज में बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है. तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ है वो एक सक्सेस के फॉर्म में आती हुई दिख रही है. किसी स्ट्रगल से आप बाहर निकल रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल फील करके कोई आपके लाइफ में जो बैटल चल रही है उसमें आपको बहुत ही बड़ी सक्सेस मिल रही है, ठीक है. कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है ये कोई एग्जाम हो सकता है जहाँ पर सक्सेस मिल रही है, कोई बैटल लाइक लीगल कोर्ट केस ये सभी है तो फिर वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है. तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट कोई ऐसे एफर्ट आप लोगे और वहाँ पर आपको जीत मिलेगी, आप विजयी होगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है. ओके एंड इस चीज़ में जब ये जो खुशी है जो आपको एक जीत के रूप में मिल रही है उसको पा के आप डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, बट उस चीज़ को आप अपने सर पे नहीं चढ़ने दे रहे हो. वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो, तो आप उसको बहुत ही नॉर्मल वे में अपना रहे हो, ठीक है. तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है, लाइक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आप खुश रहोगे, काफ़ी अच्छा फील करोगे और इस चीज़ में कोई हायर अथॉरिटी, कोई पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है. यहाँ पर मुझे नंबर 26, नंबर 28, 14 और 20 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है. और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है. लेट मी सी मोर. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा है. ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की फैमिली में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हो सकता है रिलेटिव्स के साथ कोई झंझट चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो रही है. ओके, प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी गुड न्यूज़ मिलेगी. फैमिली को लेके आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी शांति है. लोग जो है, अगर आपको या रिलेटिव्स की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो वो परेशानी दूर हो रही है. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे समवेयर बता रहा है कि आपको इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स प्रॉपर्टी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी और जो भी इशू चल रहे हैं वो खत्म होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं, ठीक है. एंड अगर कुछ लोग नाराज़ है एक दूसरे से, आपके फैमिली मेम्बर्स, तो मतलब सुलझना, ठीक है, लड़ाई का सुलझना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. We have the card of Knight of Pentacles and we have the card of the Magician. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, करियर में प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कोई भी चीज़ आप लोग करियर को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो. कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आप जॉब नहीं भी करते हो और आप लोग अपने पैसों को लेके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक 50,000, 60,000 या कोई भी अमाउंट हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे, वो विश आपकी पूरी होगी, ठीक है. जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है, और कुछ लोगों के लिए कोई अमाउंट है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको रिसीव होने वाली है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. ओके, व्हाट एल्स माय व्यूअर्स नीड टू नो. क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल. ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है और वो किसी तरह के किसी चीज़ में ट्रैप फील कर रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो लोन है, चाहे वो कोई कोर्ट केस है या किसी तरह का कोई इल्ज़ाम आप पे लगा है, तो उस चीज़ से आप रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी. एंड वो झंझट, वो जंजाल, वो मुसीबत जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, जहाँ पर आप फील कर रहे थे कि उसने आपको ट्रैप कर लिया है, उस चीज़ से आप रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, फ्री फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम आपको मिल रही है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है. फ्रीडम किससे, तो फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक
किसी तरह के कोर्ट केस से, लोन्स से, ठीक है, वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपके लिए इंडिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट टू मंथ्स में हमारे व्यूअर्स को क्या मिल रहा है, लेट मी सी कौन सी गुड न्यूज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लव, मेमोरीज, ओके, एंड अबंडेंस। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है फैमिली को लेके कोई गुड न्यूज़ मिलना, या फिर कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करेंगे। सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पे गैदर हो रहे हैं, वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो आप लोग, फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लव का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इन द टू मंथ्स आप लोग अपने परिवार के साथ वो प्यार महसूस करोगे, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मदर फादर, ठीक है, आपके अंकल आंट्स, तो उनके साथ काफ़ी प्यार आप महसूस करने वाले हो, काफ़ी सारे मेमोरीज क्रिएट करोगे। हो सकता है फोटोग्राफ्स लेना एंड उनको अपने लिए साथ में रखना, याद करना फ्यूचर में, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड विद दिस कार्ड अबंडेंस, एज आई सेड, आप लोगों को कोई अमाउंट रिसीव होना या कोई जॉब लगना या प्रमोशन, मैच्योर वुमेन, हाउस एंड कोर्ट से। एंड जो लोग यहाँ पे मैरिड है, और अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो या थर्ड पार्टी है वहां पर आपके मैरिज में, ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए दिखा है जो लोग यहाँ पे मैरिड है उस रीडिंग को देख रहे हैं। और आप लोग जो है अपने पार्टनर से दूर हो, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहे हो किसी वजह से, ठीक है, आपके पार्टनर को काम की वजह से कहीं और रहना पड़ रहा है, आपको कहीं और रहना पड़ रहा है, या लड़ाई झगड़े की वजह से आप लोग सेपरेटेड हो। इन द नेक्स्ट टू मंथ्स आप लोग एक घर में मुझे नजर आ रहे हैं, लाइक एक साथ रहते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये गुड न्यूज आप लोगों के लिए मुझे दिखे हैं, ऑप्शन नंबर वन। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, रीडिंग आपकी है, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट टू मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल रही है। उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में करेंटली क्या कुछ हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। We have the card of change your focus, five of cups, cancer, pisces, scorpio, यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है। अटैचमेंट नंबर फाइव एंड फाइव, दोनों कार्ड्स नंबर फाइव के आए हैं आप लोगों के लिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट नंबर 15, पॉजिटिविटी। तो इस टाइम पे आपकी एनर्जीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू काफी मिक्स आई आई है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हो, एंड कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको परेशान भी कर रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ चेंज योर फोकस, इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने लाइफ में किसी न किसी तरह का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें अपने लाइफ में चेंज करनी होंगी, ठीक है। हो सकता है आप लोग किसी चीज़ के साथ बहुत ही ओवरली फोकस्ड हो चुके हो, किसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आपका बढ़ चुका है, एंड आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो चुके हो, आप अपना टाइम किसी चीज़ के साथ जुड़ के ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू जिन्होंने चूज़ किया है, इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ तो मेरी अटैचमेंट, मतलब आपकी हैबिट बन चुकी है, आप उस चीज़ से एडिक्टेड हो चुके हो, ठीक है। एडिक्शन एक सही वर्ड होगा जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, एंड ये एडिक्शन हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम मोबाइल्स के साथ बिता रहे हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हो। तो
इस टाइम पे चेंज योर फोकस का कार्ड समझर बता रहा है कि आप जो चीजें इस टाइम पे कर रहे हो, कुछ काम है, कोई हैबिट है आपकी, उसको चेंज करने की इच्छा आपको हो रही है, या फिर आपको नीड फील हो रही है कि आपको उस चीज को बदलना है. कोई चीज है यहाँ पर जिसको आप बदलना चाह रहे हो. ठीक है, राइट नाउ यू आर फीलिंग द डिजायर टू चेंज समथिंग. वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है. अटैचमेंट यहाँ पे बता रहे हैं किसी चीज से आप बहुत दिनों से अटैच हो चुके हो. ठीक है, और आपको फील हो रहा है कि अटैचमेंट आपके लिए हेल्दी नहीं है. ये किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, कोई हैबिट हो सकती है, किसी चीज के साथ हो सकता है, कुछ लोगों को कॉफी हो सकता है आप बहुत ज्यादा पी रहे हो. तो वो सभी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मुझे दिखा रही है कि थोड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड से नंबर 5-5 के बारे में है. तो हो सकता है ये नंबर 5 थोड़ी सी इम्बैलेंस को दिखाता है एनर्जीज में. तो आप लोग थोड़ा सा अपने यहाँ पे फील कर रहे हो कि कंट्रोल आपने खो दिया इस चीज़ पे, और आपको कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को, वो यहाँ पे मुझे दिखता है. क्रिएटिव प्रोजेक्ट और पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप किसी काम को लेके काफ़ी एक्साइटेड हो. ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया है, किसी नए जगह पे जाने का कोई ऑफर आया है. ठीक है, या फिर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया है. तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिव प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है. ठीक है, और उसके लिए काफ़ी आप होपफुल हो, काफ़ी पॉजिटिव हो, एंड कोई एक ऐसी फैक्टर है अभी आपके लाइफ में जो आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील करा रही है, जिसके बारे में सोच के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है. ओके, सो वैसे ही मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोगों की मिक्स वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर एक अटैचमेंट से आप रिलीज करना चाह रहे हो खुद को, कोई हैबिट है, कोई एडिक्शन है, और दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप काफ़ी खुश एंड एक्साइटेड भी हो. तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको मिलेगी. We have the card of awaiting results. Rest and reconsider. यहाँ पे है luck. फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल. इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी कोई एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, किसी नई जर्नी पे आप लोग जाने वाले हो, एंड ये नई जर्नी आपके लाइफ का एक नया चैप्टर है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो. ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग वाकई में कहीं पर ट्रैवल करने वाले हो, वाकई में कहीं पर जा रहे हो. फॉर सम ऑफ यू ये आपके लाइफ का कोई नया चैप्टर है. फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपकी कहीं इंगेजमेंट हो रही है, आपकी शादी के बाद फिक्स हो रही है. एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी नए कंपनी, किसी नए ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो. ओके, कोई नया स्किल सीखने वाले हो आप लोग. एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी तरह के फियर को आप ओवरकम करोगे. यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो कोई ऐसे काम को आप लोग करोगे जो अपने फियर के कारण आप लोग नहीं कर रहे थे एंड वेट कर रहे थे आप लोग. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप हिम्मत दिखा के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एंड अपने फियर को पीछे छोड़ के कोई ऐसा काम करोगे जिसको आप लोग नहीं कर रहे थे. ओके, एंड बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत दिनों से हो सकता है उस काम को आप टाल रहे थे. सो एक नई जर्नी आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एंड डेफिनेटली वो जर्नी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी. काफ़ी यहाँ पे मुझे बी का कार्ड दिखता है, तो ये लक की बात कर रहा है. ओके, एंड यस, ये मेहनत की भी बात बता रहा है. जैसे आप मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, रेस्ट एंड रिकन्सिडर है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा इस नई जर्नी पे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, एंड आप जैसे बी होती है, बी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है. ओके, तो आप इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इस नई जर्नी में जाने पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत एनर्जीज यहाँ पे आपके लगने वाले हैं. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ कलेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक बैग देख रहे हो, इस पर्सन ने इस बैग में कुछ कलेक्ट किया है, या फिर अपने सामान को इसमें रखा है जो इसके लिए ज़रूरी है. तो ऐसा कुछ आप लोग जो है वो करने वाले हो विद द बी कार्ड. ऑल्सो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कोई चीज़ आप लोग इकट्ठा करोगे, चाहे वो पैसे है, चाहे वो एक्सपीरियंस है, चाहे वो नॉलेज है, कुछ भी है, बट यू आर गोइंग टू कलेक्ट समथिंग, गैदर समथिंग, या कोई चीज़ सेव करना, वो चीज़ें मुझे दिख रही है फॉर योर फ्यूचर यूज इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स.
ओके स्ट्रेंथ, कुछ लोग हो सकता है इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, आपको हो सकता है काम का काफ़ी प्रेशर है, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर किसी भी वजह से आपकी सेहत अच्छी नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको ये फील होगा कि आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, रिकवर कर रहे हो, हेल्दी फील कर रहे हो, पावरफुल फील कर रहे हो, ठीक है। तो यस डेफिनेटली इन द 2 मंथ्स किसी की सेहत या फिर आपकी सेहत बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द मून, इन द कमिंग 2 मंथ्स डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, कोई प्रपोजल। एंड एज आई सेड नई जर्नी है, तो कुछ लोगों के लिए ये नई जर्नी ऐसी होगी कि आपके सामने कोई पर्सन जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, या कोई पर्सन जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है, किसी पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, वो पर्सन अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेगा, या फिर हो सकता है कि आपका कोई एक्स है, या फिर कोई पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको वो पर्सन कमिटमेंट देगा, या फिर कोई स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल ऑफर उस पर्सन की तरफ से आएगा। हो सकता है इस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो, बट एक थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाएगी विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। आप लोगों के सामने जो प्रपोजल आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, वो कोई 2 पर्सन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो जिसको आप काफ़ी दिनों से डेट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वैंड्स कोई नया पर्सन भी आपको इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके सामने आता हुआ दिखेगा, जो आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, या फिर आप में अपने इंटरेस्ट शो कर सकता है, या फिर आपको बता सकता है कि वो आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, वो आपको बहुत दिनों से पसंद कर रहा था। सो कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड ये गुड न्यूज़ है फॉर सम ऑफ यू कि आपको कोई पर्सन जिनको आप डेट कर रहे हो या जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई प्रपोजल या फिर मैरिज के लिए, तो फिर वो चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल होती हुई दिख रही है। मुझे आप लोगों के लिए कोई कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकता है हो जाएगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके मैजिशियन एंड द मिरर, एंजाइटी एंड अप्रिशिएशन। ऑल्सो इस पाइल के लिए मुझे यहां पे दिख रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पर किसी तरह की एनजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, आपकी एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। करेंटली हो सकता है कि आप लोग थोड़ा किसी बात को लेके परेशान हो, या फिर अपनी किसी हैबिट को लेके परेशान हो, तो आप जो है ना आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, जैसे कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि मैंने ये काम किया, मैंने इस अपनी हैबिट को रिलीज़ किया, इस बुरी आदत को छोड़ा, ठीक है। कोई ना कोई आप बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के साथ कोई काम आप करोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और उस के वजह से आपको खुद के ऊपर में काफ़ी प्राउड फील होने वाला है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई परेशानी का हल आप निकाल लोगे, कोई सोल्यूशन निकाल लोगे, या फिर हो सकता है किसी अटैचमेंट से अपने आप को रिलीज कराना, या किसी एडिक्शन से दूर जाने की कोशिश करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। आपकी एनर्जीज में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, साथ ही साथ अपने अंदर जो आपने बदलाव लाया अपनी कोशिश से, उसके लिए खुद को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद से ज़्यादा प्यार हो रहा है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है, ठीक है। लेट मी सी मोर, यहाँ पे अगर आप अपने आप को कोसते हो, या फिर अपने आप से आपको प्यार नहीं है, आपको अपने अंदर कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका ये नज़रिया बदलेगा, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ है। यस यहाँ पे चेंज का कार्ड है, तो आपके नज़रिए में बदलाव आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ जुडिकेशन, थॉट्स, यहाँ पे थॉट्स है, डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, एंड वो पर्सन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये पर्सन हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे है, या फिर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, देन ये आपका कोई तो सीक्रेट एडमायरर मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एंड ये थॉट्स है डेफिनेटली बता रहे हैं कि वो पर्सन जो है आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है।
वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी पर्सन से अपने किसी पर्सन से प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, इन द नेक्स्ट टू मंथ्स. एंड यहाँ पे बैड हेल्थ भी है, तो सेहत अगर आपकी ख़राब है तो सेहत अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है. एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पे बता रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ही हॉस्पिटल का बार बार आना जाना करना पड़ रहा है, एंड आपकी जो पैसे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी, आपकी सेहत अच्छी हो रही है एंड पैसे आप सेव कर पाओगे. और जो लोग किसी तरह से किसी तरह का कमिटमेंट वेट कर रहे हैं, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है. सो ऑप्शन नंबर टू, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने स्वर्य कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, रीडिंग आपकी है. अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट टू मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, एंड आपके एक्सपीरियंसेस, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें. लेट मी सी आपके लाइफ में करेंटली क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में. लेट मी सी, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड. आप लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हुआ है, कोई बात काफ़ी क्लियर हुई है आपके दिमाग में, कोई डाउट क्लियर हुआ है, कोई कन्फ्यूजन दूर हुआ है, एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीव, आपको किसी चीज़ में डेफिनेटली क्लैरिटी मिली है. और इस टाइम पे आप जो है किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकल रहे हो, और एक चेंज आ रहा है आपके सोचने का नज़रिया, यहाँ पे बदल रहा है सोचने का नज़रिया. हो सकता है किसी पर्सन के प्रति बदल रहा है, किसी सिचुएशन के प्रति बदल रहा है, बट नज़रिया बदलने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. ऑल्सो कुछ लोग यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, एयर साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है. स्पिरिट इंटीग्रिटी कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म नंबर 9. ओके, आप लोगों को हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा होगा कि जो हायर पावर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है. सकता है रिसेंटली आपने गॉड से प्रे किया था, अपने एंजल से प्रे किया था कि आपको कोई एंजेलिक नंबर दिखे या कोई साइन या कोई सिंबल दिखे, तो आपको वो साइन या सिंबल दिखा है इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई और एन ईगल. कुछ भी आपको ऐसा सिंबल कुछ नज़र आया है, या फिर बहुत सारे एंजेलिक नंबर नज़र आए हैं, या कोई फेदर नज़र आया है, या कोई वर्ड नज़र आया है, ठीक है. आपने कोई सवाल पूछा था, उसका कोई जवाब आपको मिला है, और कहीं ना कहीं आप जो है अपना कनेक्शन एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ फील कर पा रहे हो, ठीक है. वो चीज़ आपको क्लियर हो रही है, उस चीज़ को महसूस करना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है. एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है. एंड हो सकता है यहाँ पर आप लोग, हो सकता है डाउट में रहते थे कि वाकई में इतने रीडिंग्स में सुनते हो एंजल्स के बारे में, स्पिरिट गाइड्स के बारे में, हायर पावर्स के बारे में, तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में आप हमेशा रहते थे, तो उसके बारे में हो सकता है आपको क्लैरिटी मिली है. ओके, सो यहाँ पर वो एनर्जीज दिख रही है, और बटरफ्लाइज इस वाले कार्ड में भी है, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज है. तो हो सकता है आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, बदलाव के दौर से गुजर रहे हो. बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, किसी तरह के अवेकनिंग के मोमेंट से आप लोग या अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए. ऑल्सो यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है. डेफिनेटली इस टाइम पे आप लोग बहुत ही अलग तरह की एनर्जीज को महसूस कर पा रहे हो आपके अराउंड, बहुत ही प्योर, बहुत ही एक काम, पीसफुल. और इस टाइम पे हो सकता है कि आपका ध्यान जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने का आपका मन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आध्यात्मिक होते जा रहे हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. इस टाइम पे ये जो समय चल रहा है ना, वो आपका डेफिनेटली एक अवेकनिंग का टाइम मुझे दिख रहा है, और इसी में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी शांति मिल रही है. चलिए और देख लेते हैं और क्या पता चलता है. वॉट इज़ योर करेंट एनर्जी? ओ यस, यहाँ पे इनर नोइंग का कार्ड है. सो आप अपने आप को जान पा रहे हो, अपने भीतर देख पा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स, या बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है शांति से बैठने का. ओके, कहीं ना कहीं वो स्टेट आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे, एक अलग सा समय जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत को फील कर रहे हो, आपके मन से वो आवाज़ आ रही है, ठीक है, अपनी रियलिटी को समझ पाना.
लेट मी सी नेक्स्ट टू मंथ्स में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यहाँ पे मार्च का महीना, सितंबर और जैन, ये मंथ्स किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक बर्थ मंथ हो सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस टाइम पे आप भी उनको कहीं ना कहीं उनसे एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो। ठीक है, आने वाले टाइम में इन द नेक्स्ट टू मंथ्स आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कुछ काम आपके जो बिगड़ रहे थे वो बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी और आपको लगेगा कि वाओ, सारा काम जो है ना आपका सही होते जा रहा है, कोई ना कोई तो हायर पावर है या कुछ अलग हो रहा है आपके लाइफ में, वैसा फील करोगे इन द नेक्स्ट टू मंथ्स, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दैट आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। बॉटम है, गो विद द फ्लो। इस टाइम पे आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको एक्सेप्ट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लेट मी सी क्या है गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट टू मंथ्स में, प्लीज एंजल्स हमें बताइए। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। ओके, यस, कुछ ना कुछ तो एंड होने वाला है। ठीक है, अब ये डेथ का कार्ड है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। डेथ मतलब डेथ नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और मैंने आपको पहले भी कहा, ये कार्ड आया नहीं था उससे भी पहले कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप लोग गुजर रहे हो, एंड दिस कार्ड ये कन्फर्म कर रहा है दैट कोई चेंज तो आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ लव, बट सफल करते कोई चीज़ खत्म होगी, कोई एंडिंग होगी किसी चीज़ की, और आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, और आपकी भलाई के लिए कोई चीज़ खत्म होगी इन द नेक्स्ट टू मंथ्स। यस, यहाँ पे लक का कार्ड है, स्वीट विक्ट्री एंड रोमांस इल्यूशन सीकिंग द सेक्रेट। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई चीज़ जो इस टाइम पे आपको काफ़ी प्यारी लग रही है ना, इन द नेक्स्ट टू मंथ्स वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो खत्म होना आपके लिए बहुत अच्छा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू, या आपका कोई बहुत ही प्यारा कोई चीज़ है, जैसे कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप पसंद कर रहे हो, बट यहाँ पे इल्यूजन का भी मैसेज है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ओह माय गॉड, इफ यू कैन रीड दिस वन, यहाँ पे इल्यूजन है, तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा उस पर्सन की सच्चाई। तो नेक्स्ट टू मंथ्स में आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो रिलेशनशिप या वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ एंड हो जाएगी इन द नेक्स्ट टू मंथ्स। सो ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, लाइक एक एंडिंग है, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग है, बट हो सकता है कि आपको इस टाइम पे वो समझ नहीं आ रहा है, या कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है सामने से, नेक्स्ट टू मंथ्स में आपको वो दिखेगा कि वो वाकई में अच्छी नहीं है आपके लिए, एंड ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। ओके, कोई डेंजर आपकी तरफ आए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके आने से, आपके तक आने से पहले ख़त्म हो जाएगी या दूर कर दी जाएगी आपसे, एंड दैट्स वाई वी हैव दिस कार्ड सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। ठीक है, कोई पर्सन अगर आपका बुरा करना चाह रहा है, आपका इंसल्ट करना चाह रहा है, या कोई पर्सन आपके साथ झूठ बोलना चाह रहा है, कोई नकली दिखावा कर रहा है, कुछ भी है जो आपके लिए सही नहीं है, यहाँ पे कन्फर्म किया जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, एंड कोई भी चीज़ जो आपकी तरफ पहुंच के आपको हानि पहुंचाए, उससे पहले ही आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, और प्रेजेंटली अगर आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई चीज़ है आपके पास जो आपके लिए सही नहीं है, इन द नेक्स्ट टू मंथ वो सभी चीज़ें आपसे दूर होंगी। ठीक है, कोई चीज़ तो है यहाँ पर जो आपसे दूर हो जाएगी इन द नेक्स्ट टू मंथ, और वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओ यस, यहाँ पे मेडिटेशन, अकेले में बैठने की शांति की एनर्जी वो दिख रहा है। तो यस, आपकी एनर्जीज बहुत ही प्योर होने वाली है इन द नेक्स्ट टू मंथ्स, बहुत ही प्योर। यहाँ पे अवेकनिंग के पीरियड्स आप लोग गुजरोगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, आपके चक्रास में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। ठीक है, कोई ब्लॉकेज है वो क्लियर होने वाला है नेक्स्ट टू मंथ्स में। आपके अंदर एक नई एनर्जीज आएगी, एक आपको फील होगा लाइक ना ही सिर्फ आप भीतर से, बाहर से, सभी तरफ से आप बहुत ही बैलेंस हो चुके हो। ठीक है, बहुत शांति का अनुभव करने वाले हो, काफ़ी अलग सा मैसेज है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हम कह सकते हैं,
यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। मोर ऑप्शन नंबर थ्री, कौन सी गुड न्यूज क्या हो रहा है आपके साथ इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, वॉट गुड न्यूज, कौन सी गुड न्यूज मिल रही है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिफ्यूजिंग टू सी, वी हैव द कार्ड ऑफ एम्ब्रेस। आप कोई सच्चाई जो है ना इस टाइम पे आपको नहीं दिख रही है, उस चीज को आप मे भी देख नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है। आपको जिस जगह पे होना चाहिए, जो चीज आप डिजर्व करते हो, उस जगह पे आप नहीं हो, बिकॉज आपने अपनी आंखें बंद कर रखी है, आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही है। एंड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जो चीज आपके लिए ब्लॉकेज है, जो चीज आपको ब्लॉक करती है इस टॉप पे पहुंचने से, इस तरह से सक्सेसफुल होने से, या जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स वो चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे, उसको अपने बॉडी से, अपने दिमाग से, अपने लाइफ से रिलीज करोगे, उस चीज़ की सच्चाई को पहचानते हुए। एंड डेफिनेटली वो ब्लॉकेज आपका कोई क्लियर हो रहा है, आपके रास्ते से कोई बहुत बड़ा पत्थर या बहुत बड़ा कोई, यहाँ पे मास्टर है, ठीक है, डेविल का कार्ड है, कोई चीज़, कोई ब्लॉकेज आपका क्लियर हो रहा है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, हम टैरो डेक से क्लैरिफाई करते हैं क्या है ऑप्शन नंबर 3 के लिए, प्लीज एंजल्स बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, आपके अंदर बहुत ही पेशेंस आ रहा है, ठीक है, बहुत ही पेशेंट बन रहे हो, और जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मे बी आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसी जगह पर बहुत सारे ऑप्शंस में ही कुछ आपके लिए सही थे, कुछ गलत थे, एंड कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है ना, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लॉकेज, वो दूर होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपने हक के लिए बोलना सीखोगे, ठीक है। इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज दिखाया जा रहा है, हो सकता है आपको बहुत सप्रेस किया जाता है, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आपको नहीं सुना जाता है, आप अपने लिए फाइट करोगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे यस नज़र आ रही है। लाइक आपको समझ में आएगा दैट आपको किस जगह पे एक्शन लेना है और किस जगह पे एक्शन नहीं लेना है, एंड अपने हक के लिए आप बोलना सीखोगे, ठीक है। एंड जो लोग, जो चीज़ आपको, आपके लिए जो चीज़ बनी है उसको लेने से, या जो चीज़ आपको पाने से रोकते हैं, या आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, वो ब्लॉकेज क्लियर होगी आपके लिए। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, द हर्मिट, बहुत ज्यादा पार्टी करना, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाना, और बहुत ही मेटेरियलिस्टिक चीजों में हो सकता है आप इन्वॉल्व थे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आप बहुत ज्यादा किसी न किसी तरह से आपको एक तरह की कोई चीज़ समझ में आएगी, सच्चाई समझ में आएगी, अकेले में समय बिताना, मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना, एंड बहुत शांत शांत आप फील करोगे, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड एम्प्रेस द मून, यहाँ पे तीनों कार्ड्स ही मेजर खाना कार्ड्स है, व्हाट एल्स प्लीज एंजल्स हमें बताइए ऑप्शन नंबर के लिए क्या गुड न्यूज है। ओ गॉड, यहाँ पे स्टार, कैन यू सी, यहाँ पर आप लोगों के लिए 1, 2, 3, 4 चारों कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड है।
ओके, यहाँ पे या तो हो सकता है कि किसी पर्सन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पर्सन हो सकता है आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे है, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किसी पर्सन के बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज, रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, किसी ज्ञान को सर्च कर रहे हैं, कोई सवाल का जवाब, कोई रास्ता, कोई क्लैरिटी, या फिर हो सकता है आपके मन में यूं ही बेचैनी सी बनी रहती है, तो वो क्लियर होगा इन द नेक्स्ट टू मंथ में, वो स्टेबल होगा, उस चीज़ का जवाब या वो आपकी नर्वसनेस, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ टू ऑफ फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है वो किसी जगह पे जाना चाहते हैं, बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, इस ऑप्शन में आप लोगों के लिए वो चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपका काम बनता हुआ दिख रहा है, मे बी कोई एग्ज़ाम पास करना हो और उसके बाद ही आप सेटल कर सकते हो फॉरेन में, तो फिर वो चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे है मेन फीमेल, मैरिज, वेल्दी मैन, एंड फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉफिन है। सो यहाँ पर कुछ लोग जो है दे कैन सी एंडिंग इन अ रिलेशनशिप या मैरिज, या कोई पर्सन जिसने आपको प्रॉमिस किया और बहुत दिनों से आपको स्टक कराया, तो एक रिलेशनशिप की या किसी पर्सन के साथ किसी अटैचमेंट की एंडिंग होगी यहाँ पे, कॉफिन है। ठीक है, एंड वो आपके लिए अच्छा होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा आप लोगों को, हो सकता है वो पर्सन काफ़ी वेल्दी है एंड आपको हो सकता है उस पर्सन ने मैरिज के लिए कहा, मे बी डायरेक्टली ना कहा हो। ठीक है, सो वो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ख़राब लगेगा, बट आपका फ्यूचर बच जाएगा, मतलब फ्यूचर ख़राब नहीं होगा, थोड़े टाइम का पेन है बट आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स एंड देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए, दोनों कार्ड ही आर्कएंजल्स के हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे, आपको लगेगा कि आपको मुसीबतों से बचाया गया है, आपके लाइफ में झूठे लोग जो थे उनका चेहरा आप लोगों को दिखाया गया है, आपको अवेकेंड बनाया गया है, आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आया है, तो ये सभी चीज़ें होंगी, बहुत ही एक कह सकते हैं ना आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन फील करोगे। ठीक है, एंड ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ब्लेस्ड फील करने वाले हो। ठीक है, आपको फील होगा एंजल्स की प्रेजेंस आपके लाइफ में, गॉड की ब्लेसिंग, ये सभी चीज़ें आपको फील होगी। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3, आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।